हेलो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोड के साथ। देखते हैं चार स्टॉक्स जो कल हम लोग इंट्राडे ट्रेड के लिए देखेंगे, उसको अपने वॉच लिस्ट में सेव करेंगे और कल ट्रेड मिलेगी तो ट्रेड में एंट्री लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो पहला स्टॉक है अपने पास रिलायंस। रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखेंगे तो एक हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे कन्फर्मेशन सी मिलती दिख रही है। अगर कल कंटिन्यू करता है, यहाँ पे कल कंटिन्यू करेगा तो हम लोग पहला टारगेट इसका यहाँ तक का ले सकते हैं। लेवल्स वाइज भी ले सकते हैं और डेप्थ वाइज भी ले सकते हैं। डेप्थ वाइज ज़्यादा बेटर रहता है, तो पहले एक बार डेप्थ वाइज देख लेंगे फिर लेवल्स पे आते हैं। ठीक, तो इन लेवल्स तक आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली, तो यहाँ तक का हम लोग लेंगे। एक यहाँ पे एक स्विंग का भी ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे एक स्विंग बनी हुई है, तो यहाँ के आसपास का टारगेट लेंगे। ये हम लोग के लिए मतलब अब क्या कहते हैं उसको, अचीवेबल टारगेट रहेगा। फिर नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं, एक ये ट्रेंड लाइन बना दे रहा है यहाँ पे और स्टॉप लॉस के लिए ये लेवल्स रखेंगे। राइट शोल्डर के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रहेगा, बाकी टारगेट यहां तक करेगा ग्रीन कैंडल तक का। नेक्स्ट स्टॉक देखेंगे इंफोसिस है। इंफोसिस लिमिटेड, तो इसमें देखेंगे तो एक हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन करते हैं, यहाँ पे देखेंगे थोड़ा ध्यान से तो देखने को मिलता है कि यहाँ पे हमें एक डिसेंडिंग ट्रायंगल मिल रहा है। डिसेंडिंग ट्रायंगल होता है हमारा एक बेरिश पैटर्न। तो अगर नीचे साइड से ब्रेकआउट मिलता है, अगर नीचे साइड से ब्रेकआउट मिलता है तो इसका भी हम लोग यहाँ से यहाँ तक का प्रोजेक्ट करेंगे, ऐसे यहाँ से यहाँ तक का, और फिर नीचे जहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा हम लोग यहाँ तक हम लोग प्रोजेक्ट कर लेंगे। और एक यहाँ पे ग्रीन लाइन बना देते हैं हॉरिजॉन्टल, ये हमारा टारगेट हो जाएगा। डिसेंडिंग ट्रायंगल का क्या होता है कि मतलब थोड़ा सा अगर ध्यान देखे अगर देखें तो पता चलता है कि क्या होता है। ये ऐसे आ रहा है, प्रेशर मिलता जा रहा है इसको, यहाँ से ऊपर से बार बार बेयर्स इसको पुश कर रहे हैं नीचे की तरफ, तो मतलब हर बार ये लोअर लोस और अरे सॉरी लोअर हाइज और इसका लोस फ्लैट है। मतलब बेयर्स बार बार इसको नीचे पुश किए जा रहे हैं। एक समय आएगा जब कंसोलिडेट करने लगेगा बहुत छोटे से रेंज में और फिर हमें वहाँ से एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट मिलेगा या ब्रेकडाउन मिलेगा, तो इसका ये थ्योरी होती है। तो यहाँ तक का हमारा सॉरी यार, तो यहाँ तक का हमारा टारगेट होगा उसका ग्रीन लाइन तक का। ठीक, स्टॉप लॉस इसका हम लोग सिंपल रखेंगे जहाँ ये, या तो अगर बहुत लंबा लेना चाहो तो यहाँ तक ले सकते हो, नहीं तो टारगेट ये होगा। ब्रेकआउट हम लोग इसको एक बार डिलीट करके दिखाते हैं, ट्रेंड लाइन देख बना के कहाँ से लेंगे। यहाँ तक का अगर इस मतलब यहाँ से निकला तो छोटा ब्रेकआउट ले सकते, मतलब छोटा स्टॉप लॉस ले सकते हैं। अगर नहीं, अगर थोड़ा बड़ा कैपेसिटी है तो इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगेगा, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगेगा। और ऊपर की साइड निकले तो ऊपर की साइड हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि कभी कभी होता है कि एक बार ऐसे ऊपर निकले, एक फेक बनाए, फेक बना के एक दोबारा ज़्यादा प्रेशर के साथ नीचे आए। अगर ऊपर से एक बार फेक आउट करके नीचे आया तो और अच्छे से हम लोग हैवी क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं इसको। ठीक, अगला स्टॉक देखेंगे टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स कल भी दिया था, कल उसमें बट ट्रेड आई नहीं, आज के लिए कोई उसमें ट्रेड मिली नहीं। अब देखेंगे तो और भी अच्छा पैटर्न बना रहा है, यहाँ पे एक कप एंड हैंडल हमारा बन गया, मिल गया है एक, ये ऐसा कप बनाया है, ये हैंडल बनाया है। तो कल अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है, अगर मार्केट बुलिश रहती है तो टाटा मोटर्स हम लोग उठाएंगे, यहाँ तक का टारगेट ले लेंगे। टारगेट इसका भी हम लोग डेप्थ वाइज लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का अगर देखेंगे तो ये इतनी बड़ी ये है, इसको उठा के यहाँ हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे तो यहाँ तक आएगा। बट हम लोग अपना सेफ रहने के लिए, सेफ साइड रहने के लिए, क्योंकि मार्केट बहुत बुलिश अभी नहीं हुई है तो वो इतना बड़ा टारगेट लेने की कोशिश नहीं करेंगे, यहाँ तक अपना टारगेट लेंगे और धीमे से फिसल लेंगे। तो ये हो गया हमारा तीसरा स्टॉक। चौथा स्टॉक है, एक मिनट इसका भी स्टॉप लॉस दे दें, स्टॉप लॉस पड़ेगा इसका इस दर, स्टॉप लॉस एसेंशियल होता है, थोड़ा इस लाइन को डिलीट करें। यहाँ थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, 1:1 का हो जाएगा। अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करे, जस्ट इन केस अगर यहाँ टाइम स्पेंड कर ले बहुत पतली सी जगह पे, तो इस स्टॉप लॉस को हम लोग उठा के यहाँ भी रख सकते हैं, इसमें हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा हो जाएगा इस केस में। अगर थोड़ा सा मान लेते हैं कि आधा घंटा या 45 मिनट कुछ भी अगर यहाँ टाइम स्पेंड किया, इधर इधर ही इस लाइन के बीच में, किस लाइन के बीच में, इस लाइन से
इस लाइन से इस लाइन के बीच में, अगर इन दोनों के बीच में टाइम स्पेंड किया है, ये दो कैंडल्स जो हैं, तीन कैंडल्स जो हैं, इनके बीच में टाइम स्पेंड करता है, तो स्टॉप लॉस उठा के हम लोग 461 कर देंगे, फिर ब्रेकआउट मिलेगा तो छोटा स्टॉप लॉस, बड़ा टारगेट रहेगा, फेवरेबल रहेगा, तो ये काम कर सकते हैं हम लोग। ठीक, लास्ट स्टॉक देखेंगे हमारे पास है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर पर देखेंगे तो एक हमें यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश पैटर्न मिल रहा है, यहाँ से बहुत मतलब एक स्टीप फॉल देखने के बाद एक यहाँ पे एक थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो अगर ये कंफर्म हो गया हमारा, ये वाला मोमेंटम कंफर्म हो गया, तो इसके ऊपर अगर अपसाइड जाती है तो अपसाइड का टारगेट हम लोग लेंगे। अगर मार्केट बुलिश रहेगी तो थोड़ा सा बड़ा टारगेट ले सकते हैं, अगर बुलिश नहीं रहती है तो सिर्फ यहीं तक का टारगेट लेंगे और अपना लेके निकल लेंगे धीमे से। ये भी थोड़ा बड़ा ही दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं क्योंकि पैटर्न थोड़ा सा छोटा है, उस हिसाब से हम लोग को लेना चाहिए सिर्फ यहाँ तक का। ये अपना पहला टारगेट है, इसको अपना अगर ये लेवल क्लियर करा तो इसको फिर यहाँ थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस हो सकता है, यहाँ तक खींच सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई हम लोग को अगर कोई अगर मतलब रुकावट नहीं मिलती है इस लाइन पर, डायरेक्ट अगर क्लियर कर जाता है एक वन ग्लो में इस रेजिस्टेंस को क्लियर कर लेता है, तो हम लोग यहाँ तक का टारगेट ऊपर तक का ले सकते हैं। नहीं तो फिर अपना यहाँ लेके छोटा सा टारगेट निकाल जाएंगे, पर लॉट कुछ भी होगा 2-3 हज़ार रुपये मिल जाएगा, 18 रुपये का टारगेट है, 1.78, इसको बढ़ा के 1.78, 1.78 है, थोड़ा सा 0.2% और बढ़ा के 1.80% ले सकते हैं, उससे ज़्यादा बढ़ाने का कोई मतलब नहीं जब तक मार्केट बुलिश नहीं होती है। इसी के साथ चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले एनालिसिस के वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन ज़रूर दबाना।